हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू पटेल इंस्टीट्यूट। मैं शुभम वाजपेयी। तो आज हम देखेंगे एमपीपीएससी फिजिक्स न्यू सिलेबस के हिसाब से। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले एमपीपीएससी 150 मार्क्स का थर्ड पेपर जो आपका साइंस का था वो लिया करता था। अब एमपीपीएससी ने उसी वेटेज को डबल करके 300 नंबर का कर दिया है। तो हम शुरुआत करते हैं, यूनिट वाइज ही चलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि यूनिट वन में फिजिक्स का है, यूनिट टू केमिस्ट्री, यूनिट थ्री बायो, ऐसा पूरा सिलेबस आपको, आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिजिक्स में पहला आपको पॉइंट मिलेगा फोर्स। फोर्स मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जब आप सिलेबस देखेंगे तो आपको उसमें यूनिट वन का पहला पॉइंट मिलेगा वर्क पावर एनर्जी, फिर आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क पावर एनर्जी हम करेंगे लेकिन पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स उठाएंगे, और ग्रेविटेशनल फोर्स के पहले हम देखेंगे कि फोर्स क्या है। तो आइए हम देखते हैं फोर्स क्या है। फोर्स दोस्तों बहुत आसान सी चीज है, आपने अपने बचपन में 8th, 9th, 7th क्लास में पढ़ी होगी कि एनी पुश और पुल और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है, ये हर बच्चे की जबान पे रटी हुई है। इसको हम और सिंप्लीफाई ऐसे देख सकते हैं, अब जो कि हम बड़े हो गए हैं, हम पीएससी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, अब हमें 7th, 8th क्लास की नोटबुक में लिख के नहीं आना है 2 नंबर का कि एनी पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई वे में समझते हैं कि फोर्स इज समथिंग कि एक कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे रहेगी, या फिर एक कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, अनटिल एंड अनलेस एन अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स अपॉन इट। अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं बात करूं रेस्ट की, फॉर एग्जाम्पल, पहले अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं रेस्ट का। तो मान लीजिए ये एक आपका सरफेस है, इस पर आपकी ये बॉल पड़ी हुई है, तो ये बॉडी, ये बॉल हमेशा रेस्ट पे ही रहेगी। कब तक? जब तक इस पे कोई फोर्स एक्ट ना करे, समझ रहे हैं आप। और अनबैलेंस फोर्स से मेरे कहने का ये मतलब है कि अभी आप ये देखें तो ये एक फोर्स, वन साइडेड फोर्स ही लग रही है, इसको हिंड्रेंस या इसको रेजिस्टेंस देने वाली और कोई फोर्स किसी भी एंगल या किसी भी और पार्ट से नहीं लग रही है। इसका मतलब ये एक अनबैलेंस फोर्स है। तो ये पर्टिकुलर फोर्स इस बॉल को आगे मूव करवा देगी, फॉर एन एग्जाम्पल विद अ वेलोसिटी वी। क्लियर है? और मैं आपको बताता हूं अनबैलेंस फोर्स का क्या मतलब होगा। अरे ये डस्टर कहां है? ये रहा डस्टर। देखिए ये एक बॉल है, ये रेस्ट पे है। मान लीजिए एक फोर्स लगी यहां से एफ की, ठीक है, तो अभी ये कहलाएगी अनबैलेंस फोर्स। क्यों? क्योंकि और कोई फोर्स बैलेंस करने के लिए नहीं है इस बॉल पे। लेकिन जब मैं सेम फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन से एफ की ये लगा दूं, तो आप बोलोगे सर आपने तो कहा था कोई फोर्स बॉडी पे एक्ट करे तो वो फोर्स कहलाएगी और बॉल आपकी मूव कर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है बॉस, एफ यहां से, एफ यहां से, तो ये फोर्सेस दोनों इक्वल फोर्सेस हो गई, तो बॉल जो आपकी है वो रेस्ट पे ही रहेगी। फोर्स आपकी लग रही है लेकिन ये एक बैलेंस्ड फोर्स का नमूना हो गया। तो ये आपका एग्जांपल है बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। और सिंगल फोर्स लग रही है जिसका कोई कंपोनेंट नहीं निकल रहा है। खैर से कंपोनेंट वंपोनेंट आपको 11th, 12th में जिन लोगों ने IIT की कोचिंग और ट्रिपल ई करी है उन लोगों को जरूरत पड़ती होगी, अपने को MPPSC के हिसाब से इतना डीप में नहीं जाना है। तो ये एक एग्जांपल हो गया अनबैलेंस फोर्स का, ठीक है। बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का आपको डाउट क्लियर हो गया है, ठीक है। अभी अपन ने बात करी थी रेस्ट की, अब अपन देख लेते हैं मोशन में। वही सेम चीज है कि एक बॉल है, ये वी वेलोसिटी से आगे मूव कर रही है, तो ये हमेशा मूव ही करती रहेगी। कब तक? जब तक इसमें कोई एक अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे। क्यों? मान लीजिए बॉल वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, मैंने यहां पे ये हाथ रख दिया, एक दीवार लगा दी मान लीजिए, तो ये एक अनबैलेंस फोर्स है, तो ये उसको यहां पे रोक देगी है। लेकिन अगर मैंने यहां से एक फोर्स लगाई है मान लीजिए एफ की, और मैं वापस मैंने एक फोर्स लगा दी है एफ की, तो ये बैलेंस फोर्स हो जाएगी, तो बॉडी के मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा। बहुत क्लियर है ये, ठीक है।
तो फोर्स समझ गए आप। अब मैं आपको और इसकी डेफिनेशन समझा देता हूं फोर्स की, कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अंटिल एंड अनलेस एन अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स अपॉन इट। बहुत सिंपल है, ठीक है। ओके okay. अब फोर्स होती है देखिए मेनली टू टाइप की, एक होती है कॉन्टैक्ट फोर्स अच्छा, और आप बोलेंगे कि सर आप थोड़ा ज़्यादा फोर्स की डिटेल में घुस रहे हो, एमपीपीएससी में तो इतना आता नहीं है, हमने कभी क्वेश्चन इतने देखे नहीं डीप वाले। तो मैं ये आपसे ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये नहीं है कि डीप में आता है नहीं आता है। देखिए एक तो पहले 150 नंबर का पेपर आता था, अब 300 नंबर का वही पेपर हो गया है, सिलेबस बदल गया है। तो अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कोई भी आप साइंस के पेपर में से उठाओ तो किस चीज़ का कितना वेटेज आने वाला है, अपने पास अभी तक उसका कोई मॉडल पेपर नहीं है। तो मैं उसी चक्कर में आपका बेसिक इसलिए क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप कोई भी सवाल आए तो उसमें आप अपना खुद का माइंड लगा के, खुद का प्रैक्टिकल नॉलेज लगा के आप उस सवाल को लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, चाहे प्री का पेपर हो या मेंस का पेपर हो। तो आप ये मत सोचना कि अरे तो थोड़ा डीप हो गया, ये कुछ डीप नहीं है। जो लोग साइंस के स्ट्रीम वाले हैं उनको पता है ये कोई डीप वाला सेक्शन नहीं है, ठीक है। तो फोर्स दो तरह की होती है, कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होती है एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स मतलब जो लॉन्ग रेंज में भी एक्ट करती हैं, दूर से भी एक्ट करती हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके, एक ले लीजिए आप फ्रिक्शनल फोर्स, एक ले सकते हैं आप स्प्रिंग फोर्स, और एग्जाम्पल आप समझने के लिए ले सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन। आप जमीन पे खड़े हैं तो आपको जमीन से भी एक फोर्स मिल रही है, उसको नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल फोर्स अपन बोलते हैं। तो वो सभी फोर्सेस जिनमें एक कांटेक्ट हो, फिजिकल टच हो, वो कहलाती हैं कांटेक्ट फोर्सेस। अब एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स पे अगर आप आएंगे तो इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, पेन थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सब समझदार लोग हैं, एडजस्ट कर लेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स हैं, जिनका मतलब है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस पे भी एक्ट करती हैं या लॉन्ग डिस्टेंस से एक्ट करती हैं, इनमें कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें आपका मैग्नेटिक फोर्स भी आ जाएगा, दो चुंबक रहते हैं, दूर रहते हैं, टच नहीं रहते हैं तो भी उनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन होता ही है। तो ये सब एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स हैं। तो समझ में आ गया दोस्तों, फोर्स समझा दिया मैंने आपको कि फोर्स की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स कैसे एक्ट करती है, क्या उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। फिर इसमें फोर्स दो तरह की होती हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, फ्रिक्शनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशनल फोर्स, जिनमें कॉन्टैक्ट हो रहा है वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। और एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स का भी मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, ये सब एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्सेस हैं, ठीक है। तो अब एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्सेस में ग्रेविटेशनल फोर्स बताई मैंने आपको। तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे हम जाएंगे क्योंकि एमपीपीएससी के सिलेबस में ग्रेविटेशनल फोर्स का एक अलग से एक कीवर्ड है, अलग से एक ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉलम है। तो हम ज़्यादा डिटेल में फोर्स के नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट आएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स पे। जो बेसिक था फोर्स का वो मैंने आपको बता दिया है, अब हम डायरेक्ट आएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स पे।
ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ने के पहले अपन कुछ एक छोटी मोटी टर्मिनोलॉजी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वैसे आप सभी ने वो पढ़ा होगा, लेकिन जस्ट फॉर अ रिवीजन, एक ऐसा ब्रशअप टाइप का। तो देखिए, आप सभी को पता है स्पीड क्या होती है। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसको हम फॉर्मूले में जब कभी कभी लिखते हैं तो लिखते हैं s = d/t। बहुत आसान सी चीज़ है स्पीड, सभी को पता है, कुछ इसमें ऐसा बड़ा नहीं है। दूसरा होता है वेलोसिटी। अच्छा, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज सबको क्लियर है कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? जैसे स्पीड है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब जिनमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। आप कोई चीज़ आपके पास आई है, आपको उसका अगर फॉर्मूला भी पता है तो भी आप उससे डिपिक्ट कर सकते हैं कि एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप बोलोगे कैसे कर सकते हैं, तो मैं बताता हूँ आपको कि स्पीड को मैंने लिखा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और मैं कह रहा हूँ कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मैंने आपको बताया है। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिनमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। अब आप देख लीजिए, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम का एक मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा कि भाई 10 सेकंड है, 5 सेकंड है, 1 घंटा है, 10 घंटा है, लेकिन टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा आपको। तो टाइम क्या हुई आपकी? कोई इसमें डायरेक्शन है? नहीं है। डिस्टेंस क्या है? 17 किलोमीटर। किस डायरेक्शन में? नहीं पता। 17 किलोमीटर जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है? नहीं पता, वो डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्पीड भी आपकी क्या होगी? एक स्केलर क्वांटिटी। जब आप वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी आपका आ जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, या टाइम जो भी बोल सकते हैं आप। अब डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शनल, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में क्या अंतर होता है? बहुत माइन्यूट सा अंतर होता है। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, और यहां कहीं आप मान लीजिए कि ये पॉइंट है सी, ए के इधर ही। तो आपने बोला कि ए से बी का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। तो जब आप ए से बी गए तो आप डिस्टेंस गए 1 किलोमीटर का। कोई आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा ए से बी का तो भी वो 1 किलोमीटर ही रहेगा। लेकिन अगर आप वापस बी से ए आते हैं, वापस आप 1 किलोमीटर आते हैं, तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा 2 किलोमीटर, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, क्योंकि आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। तो जब जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन किसी बॉडी की सेम रहती है तो उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 कहलाता है। डिस्टेंस 0 नहीं होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट उस बॉडी का 0 रहेगा। तो वेलोसिटी के मामले में जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट काउंट होता है, डिस्टेंस नहीं। ठीक है, बेसिक फंडे हैं फिजिक्स में, बेसिक चीज़ें अगर आपको दिमाग में हैं कि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है, स्पीड में डिस्टेंस होता है, तो आपके लिए फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, हमने स्पीड देख लिया, वेलोसिटी देख ली, अब हम आएंगे एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन, ये टर्म भी आप लोगों का सुना हुआ है, बहुत बेसिक बातें कर रहे हैं अभी हम। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी
अपॉन टाइम टेकन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इज इक्वल्स टू डीवी बाय डीटी। डीवी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज आया। डीटी किस इंटरवल में उस वेलोसिटी में उतना चेंज आया, तो वो उस पर्टिकुलर बॉडी का एक्सेलरेशन होगा। मैं ऐसा आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे ग्रेविटेशन जब हम पढ़ेंगे उसमें स्मॉल जी कैपिटल जी ये सब दो एक टर्म आएंगे, उसमें आपको मैं चीज़ें कोरिलेट करूँगा। इसलिए बस आपको एक ब्रशअप करवा रहा हूँ कि वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। तो अभी कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अभी अपन आपने देख लिया एक्सेलरेशन वेलोसिटी, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं ग्रेविटेशन पे। तो ग्रेविटेशन का बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है कि हर बॉडी के बीच में, इस यूनिवर्स में जितनी भी मास बॉडीज हैं उनके बीच में एक इंटरेक्शनल फोर्स रहती है, एक इंटरेक्शन रहता है। वही इंटरेक्शन को आप एक ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं। पुल हम इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ग्रेविटेशन की एक बहुत बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स रहती है, ये रिपल्सिव फोर्स नहीं है। ठीक है, ग्रेविटेशन की आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, टू मास बॉडीज के बीच का इंटरेक्शन जो पुल है या इंटरेक्शन है वो ग्रेविटेशन की वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। अब इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं और एग्जाम्पल भी ले लेते हैं दो, जिससे आपको फॉर्मूला डिपिक्ट हो जाएगा अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल ये कोई बॉडी है जिसको हम M1 से डिनोट करते हैं, ये एक बॉडी है जिसको हम फॉर सपोज M2 से डिनोट करते हैं, मास वन मास टू ऐसे आप समझ सकते हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोजली R है। अब M1 और M2 के बीच में जो अट्रैक्शन है या जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है उस फोर्स का हम फॉर्मूला समझते हैं, F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, दो बॉडीज हैं यूनिवर्स में, कोई भी हो, आप हो, मैं हूं, आमने सामने खड़े हैं, तो हमारे बीच में भी एक ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है ही, एक ग्रेविटेशनल पुल है ही। वो पुल आप बोलो यार कि सर ये इसको अपन कैसे कैलकुलेट करें, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट। तो देखिए इसमें g की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप इसको बोलते हैं, ये जी की वैल्यू है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप मेरे साथ खड़े हैं सामने, तो आप बोलेंगे कि अपने बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है। तो इसी फॉर्मूले में मेरा मास आपका मास डालेंगे, अपने बीच का डिस्टेंस डालेंगे, तो अपने बीच में जो इंटरेक्शन लग रहा है उसकी वैल्यू आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब अपन आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पर कि इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। फॉर्मूला मैं यही साइड में लिख देता हूँ। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। अब सेंट्रल फोर्स से आप ये समझ सकते हैं कि ये एक्ट करती है जो दो बॉडीज के सेंटर को जोड़ने वाली लाइन है उस पर ये एक्ट करेगी, तो एक सेंट्रल फोर्स होती है। जैसे मान लीजिए ये एक आपकी बॉडी है जिसको हम वापस M1 ले लेते हैं, ये एक बॉडी है जिसको हम M2 ले लेते हैं, तो दिस एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज। समझे, सेंट्रल फोर्स एक्ट्स अपॉन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडीज। ये दोनों के सेंटर हैं,
ये लाइन इन दोनों को जोड़ रही है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसी लाइन पे एक्ट करेगा, ये एक सेंट्रल फोर्स है, ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, दूसरी इसकी है कि एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स से क्या मतलब है कि ये लार्ज डिस्टेंस पे भी इफेक्टिव होती है, मतलब कोई बॉडी यहां से अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो भी, डिपेंड नहीं करता कि कितना उसका डिस्टेंस है, कोई बॉडी यहाँ है कोई बॉडी दूर है कहीं किलोमीटर पे, तो अगर आप सब हटा दो तो वो बॉडी और मेरे में भी कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है ही, हर बॉडी का इस यूनिवर्स में आपस में ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है ही। तो यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि एक आपकी लॉन्ग रेंज फोर्स है। ठीक है, तीसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अनलाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर मैग्नेटिक, ये हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। तीसरी इसकी है अट्रैक्टिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स में अट्रैक्शन और रिपल्शन आपको दोनों मिलेगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में आपको सिर्फ अट्रैक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी हो गई 3 कैरेक्टरिस्टिक, पहली ये एक सेंट्रल फोर्स है, दूसरी ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, और तीसरी ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की आपको ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गई। तो फॉर एग्जांपल प्री में अगर क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये 3 आपको पता है, इसके अलावा या तो नन ऑफ द अबव रहेगा या फिर कोई दूसरा ऑप्शन रहेगा। तो आपको अगर ये 3 पता है तो आप चौथा अपने आप उसको ऑड वन आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। हाँ आता हूं उस पर। अब हम बात करेंगे ग्रेविटी की। ग्रेविटी, ग्रेविटी जिसे हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। अब ग्रेविटी क्या होता है दोस्तों, सिंपल अपन भाषा में समझे तो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको आप ग्रेविटी बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये जो जी है ये भी हर बॉडी पे लग रही है, इस अर्थ पे जो मास बॉडी है उस पे ये जी कांस्टेंट एक जैसी लगती है। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, कई बार आप लोगों ने भी कई एग्जाम दिए होंगे तो उसमें ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर मैं एक लोहे की बॉल फेंकूँ और एक कॉटन का मैं बैग फेंकूँ, एक कॉटन फेंकूँ तो पहले ज़मीन पर कौन आएगा, तो आपने क्या लगाते हैं आप, लोहे की बॉल लगाए होंगे आप, कभी ना कभी तो लगाए होंगे है ना, नहीं नहीं लगाए तो होंगे यार। खैर अपन आते हैं जी पे, तो लोहे की बॉल और कॉटन की बॉल दोनों सेम टाइम पे अर्थ पे आएंगी, क्यों, क्योंकि उसमें जी हमेशा एक जैसा ही लग रहा है, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सब पे कांस्टेंट लग रहा है जी। अब ये जी के भी कई वेरिएशन आते हैं, अर्थ के सरफेस के ऊपर, अर्थ के सरफेस के नीचे, अच्छा अर्थ की एंगुलर स्पीड पे। ठीक है, अब जी की बात आ गई है तो मैं आपको एक और टर्मिनोलॉजी समझा देता हूँ, फिर मैं वापस जी पे आऊँगा। वेरिएशंस की हम बात कर रहे थे, तो पहले ग्रेविटी समझ लेते हैं कि ग्रेविटी की जो आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की आप वैल्यू बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, तो ये कैसे आई है, फॉर्मूले से देख लेते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो हम ये फॉर्मूला लिखते हैं एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 upon r square, इसी से ही ग्रेविटी आई है। इस एफ की जगह जो ग्रेविटी अपनी लग रही है, इस एफ की जगह अपन लिखेंगे स्मॉल जी, कैपिटल जी, मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। जब इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे मास ऑफ अर्थ की, रेडियस ऑफ अर्थ की, कैपिटल जी की आपको वैल्यू पता ही है 6.67 इंटू
10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। जब इसमें आप मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ आप पुट करेंगे वैल्यू, तब आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जनरली हम इनको जब न्यूमेरिकल से छोटे मोटे कैलकुलेशन करते हैं उसमें आप ओवरऑल इसको 10 ले लेते हैं। खैर वैसे वो कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे। तो ये आपने फॉर्मूले से समझ लिया है कि कैसे आपकी जी की वैल्यू 9.8 आती है। अब हम बात करेंगे वेरिएशन इन जी में। वेरिएशन इन जी, जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू अलग अलग हाइट पे या अलग अलग डेप्थ पे या सरफेस पे अलग अलग रहती है। जैसे कि ये मान लीजिए आपका अर्थ है, आप यहाँ खड़े हैं अर्थ सरफेस पे, आपसे मान लीजिए कोई एच हाइट पे दूसरा आदमी खड़ा है। ये आदमी बना देता हूँ मैं, आँख इसके, ये पैर, ओहो बड़ा स्मार्ट सा आदमी बन गया ये तो, एच हाइट पे। और कोई आपसे नीचे अर्थ के अंदर डी डेप्थ में खड़ा है, फॉर एग्जांपल डी, तो और ये मान लीजिए ये अर्थ का सेंटर है कैपिटल सी। तो जो अर्थ का सरफेस है इस पे जी की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी। कैसे रहेगी, क्यों रहेगी, एच पे क्या रहेगी, डी पे क्या रहेगी, वो सब मैं आपको फॉर्मूले से भी कोरिलेट करके बताऊंगा। अभी थ्योरी के लिए आप याद रखने के लिए समझ सकते हैं। जी पे मैक्सिमम रहेगी और एच हाइट ऊपर जाने में भी जी की वैल्यू डिक्रीज होगी और डी डेप्थ में आने में भी जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। मतलब स्मॉल जी ग्रेविटी जो आपका फोर्स है उसकी सरफेस ऑफ अर्थ पे वैल्यू मैक्सिमम रहती है, एच हाइट ऊपर आप बढ़ेंगे या ऊपर जाने पे इसकी वैल्यू कम होगी, अर्थ के डेप्थ में जाने पे या नीचे जाने पे इसकी वैल्यू तब भी कम होगी, अर्थ के सरफेस पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम रहेगी। अब इसको हम फॉर्मूला से समझते हैं जो मैंने आपको अभी बताई है बात। तो वेरिएशन जी एच हाइट पे और डी डेप्थ पे कैसे चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, क्यों कम होता है, वो हम फॉर्मूले से अभी उसको देखते हैं। तो इससे आपका बेसिक आपके मन में फीड हो जाएगा कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो मान लीजिए कि कोई आदमी एच हाइट पे अर्थ के सरफेस के एच हाइट पे है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कहीं भी उड़ रहा है, प्लेन में है, कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है आपकी आर ई, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ जो मैंने अभी यहाँ मेंशन करी है। तो इसी फॉर्मूले में जब आप आर ई प्लस ये एच करेंगे और इसका स्क्वायर, तो क्योंकि स्मॉल जी रेडियस या डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब ये नीचे वाला फैक्टर बढ़ेगा तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू घटेगी। ठीक है, तो जब आपसे बोल रहे हैं कि स्मॉल जी ग्रेविटी की वैल्यू सरफेस के ऊपर जाने पे घटती है, तो वो क्यों घटती है, क्योंकि नीचे रेडियस में ये एच का फैक्टर या जिस हाइट पे आप जा रहे हैं वो फैक्टर भी जुड़ रहा है, तो इसलिए आपकी जी की वैल्यू घट रही है। क्लियर है। अब अपन ये देखेंगे कि डी डेप्थ में जाने पे क्यों उसकी वैल्यू घटती है। ये आर ई है। अब इसी में आप मान लीजिए यहां डी डेप तक आ चुके हैं, थोड़ा छोटा लिखा गया, डी डेप्थ में कोई आदमी नीचे चला गया है तो उस पर भी जी घटेगा सरफेस से। अब वो कैसे घटेगा इसके आप समझिए कि जो मास ऑफ अर्थ है, आप जब सरफेस पे थे तो आपके ऊपर आपने जो फॉर्मूले में लिखा था वो पूरा मास ऑफ अर्थ था, लेकिन जब आप डी डेप्थ नीचे जा रहे हैं
तो आप इसको वॉल्यूम और डेंसिटी से मैं आपको कंपेयर करवाता हूं। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, क्लियर है? तो मास को आप क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्योंकि फिजिक्स में हर फॉर्मूला, हर एक चीज एक हाइपोथेटिकल होती है, कोई भी फॉर्मूला बनता है एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन या आइडियल सिचुएशन को मान के बनता है। तो यहां भी हम वही चीज करेंगे, हम मान लेते हैं कि अर्थ की डेंसिटी यूनिफॉर्म है, ठीक है? तो अगर अर्थ की डेंसिटी यूनिफॉर्म है और चूंकि एक स्फीयर है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, 4/3 πr³, ठीक है? तो जब आप ये एम ई को, ये मास को जब आप डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म में आप यहां रखेंगे स्मॉल जी की वैल्यू में, तो यहां आप देखिए आर क्यूब का फैक्टर आ रहा है और ये आर क्यूब जा रहा है ऊपर, तो ये आर क्यूब है और नीचे आपका आर स्क्वायर है। तो आपका बेसिकली ऊपर क्या बचेगा, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी, और ऊपर डेंसिटी और ये सब टर्म्स हटा दीजिए क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका आर का फैक्टर बढ़ेगा, आर का फैक्टर आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये जो आपका आर है, ये आर बेसिकली क्या है, स्मॉल डी है। तो ये डी की वैल्यू, आर की वैल्यू कम हो रही है तो जी की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली कम होगी। तो अब आप समझ गए हो, अर्थ के सरफेस के ऊपर जाने पे भी जी डिक्रीज होता है और अर्थ के सरफेस से नीचे आने पे भी जी डिक्रीज होता है, क्लियर है? ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है कि पोल्स पे, अर्थ के अपना जो पोल्स हैं दो, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इन पे जी की वैल्यू मैक्सिमम रहती है, इक्वेटर पे जी की वैल्यू मिनिमम रहेगी, जो आपकी इक्वेटर लाइन है इस पे जी की वैल्यू मिनिमम रहती है और पोल्स पे जी की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, ठीक है? और एक और पॉइंट है कि जैसे मान लीजिए अगर आप अर्थ की जो एंगुलर वेलोसिटी है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से अपनी अर्थ घूम रही है, उस पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी को अगर आप बढ़ाते हैं तो जी की वैल्यू आपकी डिक्रीज होगी। अगर अर्थ की एंगुलर स्पीड आप या एंगुलर वेलोसिटी आप बढ़ाते हैं तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो कितनी चीजें हो गई अभी, अर्थ सरफेस के ऊपर और अर्थ सरफेस के नीचे, ऊपर जाओ या नीचे जाओ, स्मॉल जी ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, चाहे ऊपर जाओ या चाहे नीचे जाओ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पोल्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये जो अपने अर्थ के दो पोल हैं, इन पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट, इक्वेटर पे स्मॉल जी ग्रेविटी की वैल्यू मिनिमम होती है। चौथा पॉइंट, अर्थ की अगर आप एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है बॉयज? अब एक छोटा सा फैक्ट है कि अभी जो प्रेजेंट की आपकी अर्थ की एंगुलर स्पीड है, अगर आप इसको 17 टाइम्स कर देते हैं, जो पर्टिकुलर मान लीजिए कोई भी एक फिगर होगा, वो अभी आप लोग देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, उस पर्टिकुलर फिगर को आप, जो अर्थ की अभी एंगुलर स्पीड है उसको अगर आप 17 टाइम्स बढ़ाते हैं, तो जो इक्वेटर पे जो आदमी है आज की डेट में, वो वेटलेस हो जाएगा, उस पे जी जीरो हो जाएगा। ये एक फैक्चुअल बात है, पॉइंट है नोट करने वाला, कि अगर अर्थ की प्रेजेंट की एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी को आप 17 टाइम्स बढ़ाते हैं, तो इक्वेटर पे स्मॉल जी ग्रेविटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, वो आदमी वेटलेसनेस फील करेगा, वो आदमी जमीन से उड़ जाएगा, उसके ऊपर जी नहीं लगेगा, ठीक है गाइस? ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, वेरिएशन इन जी हो गया है, ग्रेविटेशन अपना अभी और आगे अपना सैटेलाइट्स आएंगी, ये सब आएंगी, वो अपन अगले लेक्चर में करेंगे। अभी तक ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, जो भी आपको लगता है, जो भी आपको डाउट होता है, आपको कोई सजेशन देना है, आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, और फिर कैपलर्स लॉ, सैटेलाइट मोशन, ये सब हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभरात्रि, जय श्री राम।